वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? आज का ब्लॉग होगा, दिखाते हैं कुछ सीन्स आज के, तो मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। सीन कुछ ऐसे हैं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, और कैसे चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया, एकदम अच्छे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसा कि हम आज गए थे, ब्यावर का टूर था हमारा, और सबसे पहले हम ब्यावर के अंदर जिस तरह जैसे सिटी पहुंचे थे, उसके तुरंत बाद हम लोगों को थोड़ा, हालांकि यहाँ से घर से हम खाना खा के गए थे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, शायद मुगल नाम है उनका, और कसाब आल मोहल्ले के अंदर वो रहते हैं ब्यावर के अंदर, तो अच्छे व्यंजन बनाते हैं। तो उन्होंने हमें बोला था आप आएँ, और हम लोगों ने वहाँ बिरयानी खाई और अंडा कोफ्ता भी खाया। इस तरह के काफ़ी डिशेज़ बनाते हैं, सीख कबाब, इस टाइप के बहुत से डिशेज बनाते हैं। अगर आप भी कब खाने का जी चाह रहा हो, ब्यावर में आए हो, तो ज़रूर आप जाएं, वीडियो के माध्यम से मैंने उसमें बताया है, आप चेक कर सकते हैं किस तरह से हम कसाब बंगला में गए थे, और वहाँ मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ कुछ पता है खाने का, तो मैं शौकीन हूँ। अगर आप लोगों को मैंने बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, खाने का मैं काफ़ी शौकीन हूँ, खासकर नॉन वेज व्यंजन मुझे काफ़ी पसंद है। हो सकता है उसमें से कोई ऐसे बंदे भी हो जो नहीं खाना पसंद करते हैं, बट मुझे पसंद है। आपको, आप लोग जैसा खाना चाहे खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, बट मुझे नॉन वेज काफ़ी पसंद है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो हम गए थे खा के आगे, और उसके बाद मेरे फ्रेंड के पास घर में, एक घर के पीछे की तरफ काफ़ी स्पेस है, अजीज़ इलेक्ट्रिकल, जो काफ़ी वीडियो में आप देख चुके हैं, तो वो और हम दोनों साथ में थे। फिर हम लोगों ने उसके एक पोल्ट्री फार्म है देसी मुर्गियों का, तो वहाँ से हम सीड्स, जो उनके खाने की चीज़ें होती हैं, तो उनके तकरीबन 20 या 30 चूजे हैं, उनके लिए हम खाने के आइटम भी लेकर आए, वीडियो के माध्यम से वो दिखाया भी है, और आप देख सकते हैं। आपको अगर वहाँ से कुछ लेना है तो आप, जिस किसी के पोल्ट्री फार्म है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात, और मैं कहना चाहूँगा, कल मैं एक वीडियो डालना चाह रहा था लेकिन नहीं डाल पाया किसी कारणवश, लेकिन आज की हम बात करते हैं। तो आज फिर बाद में शाम के टाइम, जब शाम से हम ब्यावर आए, ब्यावर से सीधा हम टमाटर मंडी पहुंचे थे, वहां से एक और प्रोग्राम सेट हुआ हम लोगों का, किसी ने हमें पार्टी दी थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पार्टी किस चीज़ की थी उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन खुशी खुशी से एक बंदे ने हमें पार्टी दी, जिसमें हम चार शख्स थे, पार्टी देने सहित फिर हम गए थे किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ हमने चिकन खाया, चिकन के साथ बाटी थी और चिकन था, बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी काफ़ी पसंद है, चिकन इतना पसंद नहीं है, मटन ज़्यादा पसंद करता हूँ वैसे मैं, लेकिन फिर भी चिकन हम लोगों ने खाया, और खाने के बाद हम लोग एकदम माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं थी, पेट भर चुका था हम लोगों का, फिर वहाँ से सीधा हम घर आ गए।
और आज का ये ब्लॉग था। आई होप कि मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद नहीं आया हो तो भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे आपको बुरा लगे तो भी कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, लाइक करें डिसलाइक करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या पसंद करना चाहते हो। इस तरह से हम डेली ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। ये वैसे मैं कहूँगा नहीं, लेकिन फिर भी आप कर लेना। और नए दर्शक हैं मेरे से जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ब्यावर की और सी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो मैं जस्ट एक कसाब वाल मोहल्ला मेरा फ्रेंड है शाहिद मुगल, आप ज़रूर जाएँ वहाँ पे। और वो व्यंजन अच्छे अच्छे व्यंजन बनाता है, और उसके संबंध में और भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप हमसे जुड़े रहे हैं, और अगर इसी तरह के टिप्स हम और बताएंगे ब्यावर के टूर पे, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत आप मेरे चैनल को बोलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्या करें?